हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि लिमिट लगभग लगभग क्लियर होगा सभी का। पिछले टेस्ट में कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया और कुछ लोग अच्छा नहीं भी कर पाए और कुछ लोग टेस्ट नहीं भी दिए। तो तीनों कैटेगरी में बच्चे हैं। ऐसे भी जब कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ऑप्शन भी सभी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो खुद का भविष्य है और खुद बनाना है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तुम भागोगे अगर तो जिंदगी भर भागते ही रहोगे। तो यहाँ पे लिमिट का कुछ बढ़िया अच्छा वाला क्वेश्चन है, पूछे हुए भी हैं कुछ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है, क्या बनता है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन का वैल्यू निकालना है, और ये जो a है उसके बारे में दिया हुआ है कि वो पॉजिटिव कांस्टेंट ही है, जीरो और जीरो से बड़ा है, ठीक है। b के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन है, ठीक है। अब यहाँ पे ए जो है वो क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया हुआ, ठीक है। अब अगर ए जीरो हो जाए, मतलब यहाँ पे दो चीज हो सकता है, इस वन कि अगर ए जीरो तो ग्रेटर देन नहीं लेकर के, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों दिया हुआ था, अलग अलग सोचते। If a is equal to zero, तब तो ये टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट b अपॉन x प्लस वन। सीधी से बात है, कॉन्स्टेंट ऊपर बचा, नीचे इनफाइनाइट अगर यहां रखोगे तो इनफाइनाइट प्लस वन इनफाइनाइट, समथिंग बाय इनफाइनाइट, सीधा आंसर जीरो हो जाएगा। लेकिन है ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान, लेकिन हो सकता है कि हम नहीं सोच पाए उस समय, ठीक है। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन में तब तक एग्जाम में नहीं बनेगा, सिर्फ जान लेने से मेथड, उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। और सिर्फ वीडियो देख लेने से भी कुछ नहीं होता है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि सही फायदा मिल सके। अब दूसरा केस में हम लोग क्या लेते हैं, अगर ए पॉजिटिव हो, मतलब कुछ भी जीरो से बड़ा कोई भी कांस्टेंट हो, तो लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, तब तो ये ए एक्स स्क्वायर बचा रह जाएगा प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन। क्लियर क्लियर है कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल और नीचे भी एक पॉलिनोमियल, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस है ये। और जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस हो तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री चेक करते हैं। तो यहाँ पे डिग्री सेम है नहीं, डिग्री सेम होता है तो फिर कोफिशियंट का रेशियो आंसर होता है, और अगर ठीक है न्यूमिरेटर का डिग्री अगर ज्यादा है, डिग्री ऑफ यहाँ पे क्या है, किसका न्यूमिरेटर का डिग्री टू है और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है वन है, ठीक है। तो किसका न्यूमिरेटर डिग्री ज्यादा हो गया, न्यूमिरेटर का डिग्री ज्यादा, तो अगर न्यूमिरेटर का डिग्री ज्यादा हो तो आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। हमको लग रहा है कि याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन हो, एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो कैसे इनफाइनाइट आएगा, तो हम इसको पूरे को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऊपर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वन, ये वन बाय एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वन बाय एक्स और ये वन बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जीरो और ये वाला पार्ट वन, तो वन प्लस जीरो और नीचे जीरो, इनफाइनाइट, क्लियर है। यहां पे क्लियरली हम लोग को याद होना चाहिए कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो आंसर इनफाइनाइट, ये नहीं कि वहां पे ज्यादा सोचने लगे बार बार, अगर प्रैक्टिस में गैप हो जाएगा तो याद नहीं रहेगा, ये तय रखो, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो इनफाइनाइट,
अगर डिनोमिनेटर का डिग्री ज्यादा होता तो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे दो आंसर आए फर्स्ट क्वेश्चन के, ये क्वेश्चन जो है पहला उसका दो आंसर आया। ये जो क्वेश्चन था लिमिट एक्स टेंज टू इनफाइनाइट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, तो इसके दो आंसर आए। पहला जीरो आया, कब, जब ए इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, और दूसरा आंसर इनफाइनाइट आया जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया मान लो और मल्टीपल चॉइस है तो हम लोग हड़बड़ा के मार देंगे एकदम तुरंत में, ठीक है, ए को सोचेंगे ही नहीं, सोचेंगे कि ऊपर का डिग्री ज्यादा है नीचे वाले की डिग्री से डायरेक्ट, तो थोड़ा सा सतर्क रहना। ठीक है, एक ही पॉइंट को सोचना है बार बार जिससे पूरे क्लियर हो पाए। ठीक, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन साइन इनवर्स x टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो x का क्या रेंज होगा, x किस इंटरवल में होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट वन कब होगा, ऊपर वन है नीचे अगर ये जीरो हो जाए, ठीक है, साइन इनवर्स x पे पावर n अगर जीरो हो जाए और n टेंस टू इंफिनिटी है, ठीक, अगर ये हो जाए तभी ना वन बाय जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। तो हमको मालूम है एक चीज कि बेस अगर वन से ज्यादा हो, जैसे ए पे पावर इनफाइनाइट है और अगर ए वन से ज्यादा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू पे पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, टू को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू बहुत बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर किसी बेस पे पावर इनफाइनाइट है और इसको जीरो होना है, इसको जीरो होना है, ठीक है, इसको वन से छोटा होना पड़ेगा, जैसे वन बाई टू है अगर यहाँ पे, तो वन बाई टू पे पावर इनफाइनाइट जीरो होगा, पिछले क्लास में भी बताए थे, क्योंकि वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू इंटू वन बाई टू तो नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा हो जाएगा। या अगर माइनस वन बाई टू पे भी कोई इनफाइनाइट पावर दे दे तो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, इसको भी बहुत बार मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे माइनस बाहर बचा रह जाए चाहे नहीं बचा रह जाए नीचे तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो भी जीरो के पास ही चला जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर है ए पे पावर इनफाइनिट और अगर वो जीरो हो रहा है इसका मतलब ही क्या है कि दिस ए, ठीक है, ये ए जो है वो माइनस वन से वन के बीच में है, अदरवाइज नहीं होगा जीरो। ठीक है, अगर किसी भी नंबर पे इनफाइनाइट पावर देने पे वो जीरो हो रहा है तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है माइनस वन से वन के बीच का। ठीक है, तो यहां पे भी अगर हमको इसको जीरो करना है, किसको, इसको, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या होना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स मस्ट बी इन बिटवीन माइनस वन टू वन। ठीक, अब इनवर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है, साइन इनवर्स एक्स को अगर उधर ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर साइन इनवर्स है बीच में इधर माइनस वन और उधर वन है तो साइन इनवर्स को इधर भी लेके आओ उधर भी लेके जाओ, तो साइन इनवर्स इधर लेके आओगे तो साइन माइनस वन एक्स और इधर लेके जाएंगे तो साइन वन, यानी कि जो एक्स जो है वो किसके बीच में आ जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन वन से लेकर के प्लस साइन वन के बीच में ये एक्स का इंटरवल हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस साइन वन टू प्लस साइन वन, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन हो सकता था कि हम लोग नहीं सोच पाते। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है एक बार वीडियो देखने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन नोट करने के बाद खुद से बनाना है। ठीक है, देख देख के नहीं बनाना, एक बार वीडियो देख लिए और फिर क्वेश्चन लिख लिए और फिर पूरे क्वेश्चन को बना लिए, अगर कहीं फिर से डाउट रह गया तो फिर से देखेंगे वीडियो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने से लिख के बनाना है, बहुत ही फायदा होगा इससे। ठीक है, अब जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स
और इस पे पावर है तुमको। वन बाई एक्स, अब यहाँ पे एक्सटेंस टू जीरो रखोगे तो टेन पाई बाय फोर बचेगा जो कि वन, टेन फोर्टी फाइव और पे पावर वन बाई जीरो, वन टू द पावर इन्फिनिटी का पावर। तो वन पे पावर इन्फिनिटी को देख करके ही हम लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि अच्छे से समझ चुके हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये जो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स है, टेन फोर्टी फाइव प्लस एक्स, इसके बारे में बीस बार बताए होंगे इलेवेंथ ट्रिगोनोमेट्री में। ये क्या होता है, ये होता है वन प्लस एक्स, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स। कैसे तोड़े, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला तोड़े, ठीक है। अगर यहां माइनस होता टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा वन बाई एक्स। टेन एक्स को गायब करो, एक्स टेंस टू जीरो है तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स पावर वन बाई एक्स, ठीक। तो वन प्लस एक्स पे पावर वन बाई एक्स मालूम है क्या होता है, ई होता है, और यहां वन माइनस एक्स है, ठीक है, और उस पे पावर वन बाई एक्स है। तो इसको अगर जरा सा सॉल्व करें, यहां वन माइनस एक्स है तो यहां भी माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहां माइनस एक्स लिख दो और बाहर ऊपर माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यानी कि ये वन प्लस एक्स पे पावर वन बाई एक्स ई, जो वन प्लस है वही होना चाहिए यहां पे नीचे, जैसे वन प्लस वाई होता तो वन बाय वाई, वन प्लस ये वन माइनस एक्स का क्या मतलब हुआ, वन प्लस माइनस एक्स, ये ऐसा। तो वन प्लस माइनस एक्स और ऊपर पावर में फिर क्या होना चाहिए, वन बाय ये माइनस एक्स, तो वन बाय माइनस एक्स। तो यहां से लेके यहां तक हो गया ये ई और ये माइनस वन पावर, ई पे पावर माइनस वन, तो ऊपर ई पे पावर वन और नीचे ई पे पावर माइनस वन, तो ये वाला ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ई पे पावर वन, ये माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस वन, ई पे पावर टू, सिंपल, ठीक है। तुम यहां माइनस वन लेके भी दूसरा क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुद से किया करो ये सब क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये है अच्छा क्वेश्चन, ठीक। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स का मॉड डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लिमिट एक्स चेंज टू ए, यही वाला एफ एक्स कितने वैल्यू ऑफ ए के लिए नहीं एग्जिस्ट करेगा, इस एफ एक्स का लिमिट ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो ए कितना होगा जिसके लिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए फॉर विच लिमिट एक्स चेंज टू ए एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है हमसे, तो हम पहले एफ एक्स के बारे में बढ़िया से जान लें कि एफ एक्स क्या है, थोड़ा सा इसको सॉल्व वॉल्व करें कि एफ एक्स क्या है कैसे है। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो क्यूबिक एक्सप्रेशन ऐसा है, इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालें, ठीक है, हम डायरेक्ट फैक्टर लिखते हैं, तुम लोग खुद से फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही है, मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक। इसका मॉड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। अब बताओ कि अगर हमको कोई चीज मॉड में हमसे पूछ लिया जाए कि मॉड एक्स क्या होगा, क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसका नेचर जानना पड़ेगा, इसका साइन। मॉड एक्स तो एक्स भी होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और अगर ये मॉड एक्स का एक्स नेगेटिव है तो यही माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। तो अगर किसी फंक्शन में एफ एक्स में हमको मॉड इन्वॉल्व आ गया है तो मॉड के अंदर वाले के बारे में जानना पड़ेगा कि वो कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, तभी तो मॉड हटा पाएंगे। अगर ये अंदर वाले के बारे में पता चल जाए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो मॉड हटा देंगे और फंक्शन कट के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करें, ये जो अंदर में है,
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, कि ये कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। कैसे पता करेंगे भाई? तो साइन स्कीम, ठीक है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर इस एक्सप्रेशन का साइन जानना है हमको, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन लो और नंबर लाइन पे इसमें जितने फैक्टर हैं, ठीक है, जैसे इसमें तीन फैक्टर हैं, तो तीनों फैक्टर जहां जीरो होता है वो नंबर लिख दो। ये कहां जीरो होगा? वन पे। ये कहां जीरो होगा? टू पे। ये कहां जीरो होगा? थ्री पे। ये लिख लिया। अब क्या करना है हमको इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस एक्स के बाहर भी पॉजिटिव लगा हुआ है, इस एक्स के बाहर भी पॉजिटिव, इस एक्स के बाहर भी पॉजिटिव, तो तीनों एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो राइट साइड से पॉजिटिव साइन लिखना चालू करेंगे हम लोग और अल्टरनेट चेंज कर देंगे। जैसे थ्री मिला चेंज, फिर टू मिला फिर चेंज और फिर चेंज। ये है साइन स्कीम इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में अगर थ्री से ज्यादा कोई भी वैल्यू दोगे तो ये पॉजिटिव देगा, चेक कर सकते हो। टू से थ्री के बीच में अगर एक्स रहेगा तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, फिर वन से टू के बीच में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, और फिर वन से पहले ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर हम इस एफ एक्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो एफ एक्स है, जब हम मॉड हटाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वन से पहले अगर बात करोगे, मॉड हटाओगे, तो पता चल गया है आपको कि वन से पहले ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है कि नहीं। तो वन से पहले अगर ये वाला एक्सप्रेशन नेगेटिव है, तो जब मॉड हटेगा तो एक माइनस साइन लेके आएगा, जैसे वाई का मॉड माइनस वाई कब होगा? जब ये वाई नेगेटिव होगा, तभी ना नेगेटिव के बाहर नेगेटिव लग गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस मॉड के अंदर वाले के बारे में जान गए हैं कि वन से पहले वो नेगेटिव है, तो वन से पहले जब हटेगा, ठीक है, तो माइनस साइन के साथ हटेगा, तो यानी ऐसा हो जाएगा ये एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ये मॉड के बाहर माइनस साइन लेगा, तो कट के कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा अपने, ठीक है। ये एफ एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं कि ये दोनों कट के माइनस वन हो गया, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, ये कब हुआ? जब एक्स लेस देन वन है, ठीक है। लेकिन जब वन से टू के बीच में आओगे तो वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा अंदर वाला, और जब वो पॉजिटिव होगा तो हूबहू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिना माइनस साइन तो हूबहू निकलेगा, तो यही और यही दोनों कट के वन देगा कि नहीं देगा? तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग वन। कब मिलेगा वन? जब एक्स वन से लेके टू के बीच में होगा, तब। क्योंकि वन से टू के बीच में ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो मॉड हटा सकते हैं डायरेक्ट, मॉड से जब बाहर निकलेगा तो वैसा का वैसा निकलेगा, दोनों कट के वन दे देगा, ठीक है। वन से टू के बीच में भी देखिए, फिर टू से थ्री के बीच में माइनस है, तो माइनस साइन साथ ही निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा, तो माइनस ये और ये, तो ये कट के माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन कब होगा? टू से लेके थ्री के बीच में, और फिर थ्री के बाद पॉजिटिव है तो वहां मिल जाएगा प्लस वन, जब एक्स थ्री से बड़ा होगा। तो यानी कि अपना जो ये एफ एक्स है, ये वाला फंक्शन, इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है, फाइनली अपना एफ एक्स क्या आ गया? फाइनली जो एफ एक्स है वो इस प्रकार से आया, एफ एक्स आया माइनस वन कब? जब एक्स माइनस वन से छोटा, वन से छोटा है। फिर प्लस वन जब एक्स वन और टू के बीच में है। फिर माइनस वन जब एक्स टू और थ्री के बीच में है। और फिर प्लस वन जब एक्स थ्री से बड़ा है। ये अपना फंक्शन आया, ठीक है, इसको हम हटाते हैं। ये फंक्शन है, उसको जब हम सॉल्व किए विद द हेल्प ऑफ साइन स्कीम, ठीक है, ऐसे देख के लगेगा कि नहीं बनेगा हमसे, ठीक है। और बिल्कुल अगर हम लोग मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हैं, जिसको भी मॉड नहीं आता है, मॉड इलेवेंथ के बेसिक में पढ़ा रहे हैं, उसका वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हो, मॉड पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और डाउट नहीं रहेगा 100%। अगर ये लगता है टफ है तो बिल्कुल टफ नहीं है,
थोड़ा अच्छा है बस, ठीक है। तो यहां से एफएक्स अगर निकल गया तुम्हारा, अब हमको क्या पूछा जा रहा है कि यही एफएक्स का लिमिट ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कितना ए होगा, किस किस ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमको ये फंक्शन देख के क्लियरली लग रहा है कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, निजी ग्राफ, ये है फंक्शन, फंक्शन इक्वल टू -1 कब, जब एक्स लेस देन 1 है। यहाँ 1, 2 और 3, 1 से पहले फंक्शन -1 है, यानी कि ये -1 की, ये -1, तो 1 से इधर ये -1 है, ऐसे बना दिए ग्राफ, ठीक है। 1 पे जाके क्या हो जाएगा, +1, और 1 से 2 के बीच में +1 रह रहा है, तो 1 से 2 के बीच में +1, ठीक है। अब फिर 2 पे जाके -1, और ये -1 3 तक रह रहा है, और फिर 3 के बाद ये +1, आगे +1 ही है, ठीक है। तो ये ग्राफ बना, तो ग्राफ में क्या दिख रहा है हमको कि यहां से तो कॉन्स्टेंट ही है 1 1 1, 1 पे जाके टूटा, तो ग्राफ जहां टूटा वहां लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो इसलिए लिमिट ऑफ, या ऐसे यहां तो लिखा हुआ है कि लिमिट एफएक्स एक्सटेंड्स टू ए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये कहां कहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू 1, जहां ग्राफ टूट रहा है, ये 1 पे ग्राफ दिख रहा है, ये 1 के इधर ऊपर और इधर नीचे, फिर यहां से चलता रहा, फिर 2 पे जाके टूटा, तो 2, फिर 2 से 3 तक चलता रहा, फिर 3 पे जाके टूटा, तो इतनी वैल्यू पे, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू जो 1 2 3 है तो लिमिट फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यही तो ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू जब 1 बोल रहा है, ए पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ए क्या क्या है, तो 1 2 3 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यही ए है, तो कितना वैल्यू ऑफ ए आ गया। इसलिए नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज 3, बिल्कुल ये एकदम ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, इफ एम ऑफ अरिथमेटिक मीन, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज एन इज एस एन, तो इसका लिमिट क्या होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एम है किसका, एम प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज एन, मतलब कि ऐसा जितना पेयर है जिसका सम एन हो जाए, पहले वो देखना है हमको, तो किस किस नंबर का, पॉजिटिव नंबर का सम एन हो जाएगा। तो 1 के साथ अगर एन माइनस 1 को जोड़ेंगे तो ये 1 1 करके एन होगा कि, तो ये भी पेयर है। 2 के साथ एन माइनस 2 और 3 के साथ एन माइनस 3, इसी तरीके से 4 एन माइनस 4, और अगर एन और 0 ले लिया, ये तो नहीं होगा 0 वाला, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा, तो ये नहीं लेंगे। 1 n-1, 2 n-2, 3 n-3, ये 1 से बढ़ता हुआ देखो 1 2 3 कहां तक बढ़ते हुए जाएगा, n तक नहीं जाएगा, n-1 तक, n-1 के साथ n का पेयर बनेगा, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 1 1 कट के n ही बचेगा, मतलब इतने पेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो n होगा। देख लो कितने पेयर्स हैं, तो n-1 पेयर्स, 1 से शुरू हुआ है, 1 2 3 कहां तक गया, n-1 तक, तो n-1, तो ये जो पेयर्स हैं इनके प्रोडक्ट, जैसे इनका दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इनका दोनों का प्रोडक्ट, इनका दोनों का प्रोडक्ट, इनका दोनों का प्रोडक्ट, इन सभी प्रोडक्ट करने के बाद सबका जो एम होगा वो एस एन है, ठीक है। तो किसका एम, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और सबको जब हम एम निकालेंगे, एम मतलब अरिथमेटिक मीन, सिंपल सा एवरेज जिसको बोलते हैं, वही एस एन है। एस एन क्या है, इनका प्रोडक्ट, तो 1 इंटू एन माइनस 1, 1 इंटू एन माइनस 1,
प्लस इनका प्रोडक्ट 2 × (n-2), 3 × (n-3) और लास्ट में (n-1) × (1). ठीक है, इस सब का एम, तो एम मतलब इसको जोड़ के डिवाइडेड बाय जितना है, कितना है ये पहली पता है हमको, (n-1) है 1, 2, 3 (n-1) तक, 1 से (n-1) तक, मतलब (n-1) ये होगा औसत एवरेज, इसी को अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, और यही है SN दिया हुआ। ठीक है, तो अब हमको इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए अगर हम थोड़ा सा और लिख लें, ये हो गया 1 × (n-1), ठीक, ये 1 से बढ़ के 2, और ये (n-1) है तो (n-2), अब (n) से -1 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, तो 3 × (n-3), ठीक है, ये अब यहाँ पे (n-1) है, और ये जो 1 है, ये 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, n, अब देखो पहला टर्म सीधा बढ़ता जा रहा है 1, 2, 3 यहाँ (n-1) तक, दूसरा टर्म (n-1), (n-2), (n-3), तो यहाँ भी (n-) के फॉर्म में लिख लें, (n-n-1), इसी में (n) और (n) कट के (-1)+1 हो रहा है, ये वाला 1, n में से पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 10 भी घटता होगा, 20 भी घटता होगा, लास्ट में (n-1) घटता होगा, जिससे यहाँ 1 घटता होगा। ठीक है, पूरे सजा में डिवाइडेड बाय (n-1). अब इसको अगर समेशन के फॉर्म में लिख लें, तो इसको समेशन फॉर्म में, अब ये 1, 2, 3 (n-1) तक जा रहा है, इसको लिख देते हैं r, ठीक है, (n-r), और यहाँ समेशन लगा देते हैं, जहां की r जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, तो 1, 2, 3 कहां तक जा रहा है, (n-1) तक, और इधर वाला देखो, r की जगह 1 रखोगे तो (n-1), 2 रखोगे तो (n-2), 3 रखोगे तो (n-3), (n-1) रखोगे तो (n-n-1), ये वाला, ये समेशन में लिख दिए इसको, फिर ये (n-1). ठीक है, आपको लग रहा है कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक, इसको अगर और स्टेप ले लें, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देते इसको, एन आर, अब समेशन किस पे लग रहा है, आर, आर वेरिएबल है, आर इवन, आर एन है, (n·r - (r)², और दोनों पे समेशन, आर जहां की 1 से लेके (n-1) है, डिवाइडेड बाय (n-1). ठीक है, इसको अगर लिखें हम, n तो बाहर निकालेंगे कांस्टेंट, समेशन r पे, r का वैल्यू 1 से लेके (n-1) तक है, माइनस समेशन r², r का वैल्यू 1 से लेके (n-1) तक है, डिवाइडेड बाय (n-1), ये हुआ। तो r का समेशन भी मालूम, r² का भी समेशन मालूम। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग फिर ऊपर लिखेंगे इसको हटा के, अब एक चीज यहाँ पे है, जैसे r का समेशन यहाँ पे है और 1 से लेकर (n-1), तो हम लोग r का समेशन अगर लिखना चाहें और r = 1 से n अगर होता, ये हम लोग पहले भी जानते हैं, याद भी किए हुए, मतलब ये क्या हुआ, 1 से लेकर (n) तक का समेशन हुआ 1, 2, 3, 4, तो ये होता है (n·n+1)/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे (n-1) है, तो अगर यहाँ (n-1) है तो यहाँ भी (n)-1 रख दो, जहां जहां n है, तो यहाँ (n)-1 रखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा (n-1), और यहाँ (n-1) रखोगे तो (n-1), ठीक है, +1, ये दोनों कट ही जाएगा। तो यानी कि r का समेशन, r जब 1 से लेकर (n-1) होगा तो ये होगा (n·n-1)/2, n की जगह (n-1) इधर भी रखे, इधर भी रखे, ये समझाने के लिए बता रहे, मतलब कि इसका जो समेशन होगा वो हो जाएगा (n·n-1)/2। अगर r² है और इसका समेशन लेना है n तक अगर होता तो ये होता (n·n+1)/2(n+1)/6। ठीक है, क्योंकि (n-1) है यहाँ पे, तो यहाँ भी जहां जहां n है वहां वहां (n-1) रख दो, रफ कर रही है, तो यहाँ (n-1), यहाँ (n-1) रखो तो 1-1 कट के n बचेगा, और यहां अगर रखोगे (n-1) तो ये हो जाएगा (2 × (n-1)+1)/6, तो ये हो जाएगा (2n-2)+1, तो (2n-1) हो जाएगा, इसके अंदर में लिख देते (2n-1), यानी कि r² का समेशन 1 से (n-1) तक ये हो जाएगा (n·n-1)/6, ये
इसका भी समेशन हम लोग लिख दिया ऊपर और इसका भी समेशन लिख दिया ऊपर, ठीक है, ये हो गया। अब इस दोनों को यहाँ रख देना है आपको, ठीक है। तो रखने के लिए थोड़ा सा, चलो रख देते हैं, Sn का वैल्यू ये है, तो इसलिए Sn इक्वल टू इसके जगह पे हम लोग उसको रखते हैं, तो n इंटू ये, n इंटू ये समेशन ऑफ r, तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस r स्क्वायर का समेशन ये लिखेंगे, n इंटू n माइनस 1 2n माइनस 1 बाई 6, नीचे डिवाइडेड बाय n माइनस 1 है, ये n माइनस 1 जो है नीचे से दोनों को काट दे रखने, तो क्या बच गया, n स्क्वायर बाय 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, n इंटू 2n माइनस 1 बाई 6, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर लें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये Sn है, ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करते सॉल्व, बाद में करेंगे इसको, बाद में मतलब क्वेश्चन में जब लाएंगे। तो ये अपना Sn निकला, ठीक, ये अपना Sn निकला। अब Sn के साथ हमको इस लिमिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो इस लिमिट का वैल्यू अगर निकालना है तो इसको हम हटाते हैं यहां से, हमको क्या निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर बाय Sn, ठीक है। तो n स्क्वायर की जगह पे तो n स्क्वायर ही रहेगा और Sn की जगह पे ये आएगा n स्क्वायर बाय 2 माइनस, अगर हम n को अंदर कर लें तो ये हो जाएगा क्या, 2n स्क्वायर बाय 6, 2n स्क्वायर माइनस n, 2n स्क्वायर माइनस n बाय 6, ठीक है, और लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है और हमको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, ऊपर भी डिग्री 2 और नीचे भी डिग्री 2 ही है, तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं हम, कोफिशियंट का रेशियो, यहाँ एन स्क्वायर का कोफिशियंट 1 और नीचे एन स्क्वायर का क्या कोफिशियंट है, यहाँ एन स्क्वायर का 1 बाई 2 माइनस, यहाँ एन स्क्वायर का 2 बाई 6, तो 2 बाई 6 बस यही होगा आंसर इसका, ये हो गया 1 बाई 3, तो 1 बाय 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 1 बाई 6, 6 ऊपर चला जाएगा 6, तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का, उसमें अरिथमेटिक मीन भी दिया हुआ है, उसमें सीक्वेंस सीरीज का समेशन भी क्लियर होना चाहिए, फिर उसमें लिमिट क्लियर होना चाहिए पूरे अच्छे से, सॉल्यूशन अच्छे से इजी तरीके से अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इसको एक बार वीडियो देख के उसके बाद क्वेश्चन लिख के अपने मन से करना, ठीक है, और नहीं आए तो दोबारा देखना, वीडियो देख के लाइक कमेंट नहीं करते हैं अगर तो ये तो पता नहीं क्यों नहीं करते, ठीक है, करना चाहिए, खैर तुम लोग को ज्यादा हो उससे आराम से, ठीक है। अब ये जो सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये हो गया a माइनस n इंटू एन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो a का क्या वैल्यू होगा, लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है जीरो, तो सीधी सी बात है x टेंड्स टू जीरो है तो टेन साइन है, तो टेन साइन को हटाएं, डायरेक्ट ही करते हैं हम लोग, ए माइनस एन इंटू एन एक्स माइनस टेन हटाओगे एक्स और फिर वहां बचेगा एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक, दोनों का एक्स, दोनों में एक्स है तो एक्स को बाहर निकालो, ये हो जाएगा ए माइनस एन इंटू एन, ये एक्स तो निकल ही जाएगा, ये एक्स भी, तो माइनस वन इंटू एन इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स निकल के वहां एक्स इंटू हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, तो अब हमको क्या बच गया, ए माइनस एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है, और इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरो एन जो है जीरो में डिवाइड होकर जीरो ही रहेगा, यहां से आ गया ए माइनस एन इंटू एन इक्वल टू वन, ये एन को नीचे लेके चले जाएंगे, ए माइनस एन इक्वल टू वन बाय एन, इसलिए ए इक्वल टू एन उधर जाएगा तो एन प्लस वन बाय एन,
ये आंसर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल तरीके से एकदम सॉल्व करना है, जो कॉन्सेप्ट हमें आता है उसको इन्वॉल्व कराना है इसमें। जब भी क्वेश्चन आए सोचेंगे कि क्या क्या हमको आता है, वही इन्वॉल्व कराना है और बिल्कुल ही बनेगा क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है, x टेंस टू जीरो पे ये साइन x बाई एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वहां रखोगे तो वही इंडिटर्मिनेट आ रहा, तो इसको थोड़ा सा खुद से करना है। ये भी हमको लग रहा है कि क्या है, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म लग रहा है, नहीं दूसरा चीज है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करना है हमको, ठीक है, ये दोनों को अपने से सॉल्व करना है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आ गया होगा। वीडियो को अगर एक बार नहीं आता है तो दोबारा देखिए, शेयर भी कर दिया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और लाइक कमेंट किया करो वीडियो को, ठीक। और बिल्कुल ही सब चीज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ होगा, टेंशन वेंशन नहीं लेना है कोई भी चीज़, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।